सिद्धू मूसेवाले दे जान तो बाद कदे उसके मापे हिम्मत जुटा के उस दी ही तरह उस दे स्टाइल दे विच पिता दे वलों श्रद्धांजलि दी जाती है, सल्यूट किया जाता है, तो कदे वह भुब्बा मार मार के रोना शुरू कर देंगे ने। बीते दिनी जो हाल मापियां दा देखा गया सी, उस तो बाद सारा पंजाब तक रो पिया। इकट्ठे हुए लोगों के समूह के वलों इतने वध चढ़ के हिस्सा पाते हुए सिद्धू मूसेवाले दे जान दा दर्द बयान किया जा रहा सी। ते इधर अज फुल चुगुणाए मापियां दा हाल देख देख के हर एक अख दे विच हंजू आ रहा सी। माँ बाप दे वल्लों सिद्धू मूसेवाले दे जान तो बाद इस गल नूं बर्दाश्त नहीं किया जा सक रहा कि किवें उन्हां दे जवान 28 साला पुत नूं उन्हां दे कोलों दूर कर दिता गया। माँ दे वल्लों भी सामने आके कहा गया कि जेकर तुहाडे विच कोई अजिही गल चल रही है तां उस नूं तुसीं बैठ के हल कर लवो, इस तरह किसे दा पुत मारना बुजदली दी गल है। पिछों आके वार किया गया अते किवें डराया गया ये सारे जानते ही ने, पर यह किसी भी गल का हल बिल्कुल नहीं है। इस सारे मामले नूं लैके जिथे पंजाबी इंडस्ट्री दे विच एकजुट होने की गल कही जा रही है, उत्थे ही सिद्धू मूसेवाले दे लई इंसाफ की मांग करदिआं हुण एक नवा कैंपेन चलाउण की गल कीती जा रही है। ना सिर्फ भारत दे विच सगों विदेशां दे विच भी इकट्ठे हुए पंजाबियों के वलों सिद्धू मूसेवाले नूं इंसाफ देण दे लई वध चढ़ के अगे आया जा रहा है। पर अज एक बार फिर उही गमगीन माहौल देखण नूं मिलिया जदों सिद्धू दे फुल चुगणाए मापियां दा रो रो के हाल बेहाल हो गया। मां नूं फड़ फड़ के लोकां दे वलों अगे तख्ता लिया गया, पर उन्हां दे विच अज एक बार फिर तो इस गल नूं सहन करन दी हिम्मत नहीं सी कि सिद्धू मूसेवाला पूरी तरह दे नाल जा चुक्या। रोंदी गुरलांदी माँ दियां गल्लां सुन के हर पासे चीख चिहाड़ा पै रहा सी। माँ नूं देख देख के हरेक दा हिरदे वलुंदरिया गया। रिश्तेदारां समेत आम पंजाब दी जनता इत्थे इकट्ठी हुई है, सगों हरियाणा समेत पूरे भारत दे विच्चों आए लोग सिद्धू मूसेवाले नूं इक झलक उसकी आखिरी झलक देखण दे लई तड़प रहे सी। अपने खेतां दे नाल प्यार करन वाले सिद्धू मूसेवाले दा अंतिम संस्कार शमशान घाट की बजाय उसके पिंड दे विच ही खेतां च कीता गया। इन्हां खेतां दे विच सवेरे 11 बजे तो खड़े लोग 2:30 बजे तक संस्कार होण तक दस तो मस नहीं होए। भरी गर्मी दे विच हर किसी की अख उड़ीक रही सी कि वह सिद्धू की एक झलक नूं देख लवे। पुत्तर दे जाण वालियां दा इह प्यार देख के मूसेवाला दे पिता बलकार सिंह ने भी पग ला के उन्हां दा धन्नवाद कीता सी। अंतिम यात्रा तो पहला माँ प्यो ने अपने पुत नूं लाड़े वांग तैयार किया। पिता बार बार उसका मत्था चुमदा नजर आया, उस दियां मुछां नूं वट दिता। माँ चरण कौर तो अपने पुत नूं नज़रां टका के काफ़ी समय तक देखती रही। सिद्धू मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह अते माता चरण कौर ने कहा कि उन्होंने सिद्धू नूं नहीं एक मजदूर का पुत मारिया है। असीं पति पत्नी मजदूरी करके पुत्र नूं इत्थों तक लैके आए सी। आमदन बहुत घट सी, रोटी बड़ी मुश्किल दे नाल पूरी हुंदी सी। जिस दिन सोशल मीडिया ते सुरक्षा घटाउण दीआं खबरां आईआं, उसे दिन साडे घर दे अगे गड्डियां घूमण लगियां सन। असीं अपने पुत नूं घर दे विच रोक रोक के रखदे हुंदे सी। असीं इक गल कहना चाहुंदे हां कि ज़्यादा तरक्की मरवा दिंदी है, अपने बच्चियां नूं ज़्यादा तरक्की ना करन दिओ। अज साडा घर उजड़ चुक्या है, सरकार नूं बेनती है कि तुसीं कोई काम करो पर सोशल मीडिया ते उसनू अपलोड ना करो। किसी ने सानू गैंगस्टरां दे नाल जोड़ दिता। मैं अपनी जिंदगी दा वड्डा हिस्सा फौज दे विच बतीत कीता है। लेह लद्दाख वर्गी जगह दे विच -30 डिग्री सैलसियस तापमान दे विच मैं ड्यूटी कीती है। कि मैं अपने देश दे खिलाफ एक भी अपशब्द सुनांगा? साडे बच्चे नू सरकार ने मारिया, मैनू अपने पुत दी मौत ते माण है, पर उसकी घाट मैनू मरदे दम तक रड़कदी। अजिहे शब्द पिता दे वल्लों अपने पुत नूं याद किया गया। पंज तत्तां दे विच वलीन होए सिद्धू मूसेवाले दे पिंड दे विच लोकां दा तां जिवें हड़ ही आ गया होवे, पर इस मौके ते हर एक अख हंजुआं दे नाल भरी हुई दिखाई दित्ती। मूसेवाला दे प्रशंसक उन्हां दी इक झलक देखण नूं तड़प रहे सी। सिद्धू दे मापियां दा हाल अज भी वेख्या नहीं जांदा, ते उन्हां दा कहना है कि मरदे दम तक उह इस गम दे नाल ही जूझते रहणगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा दौरान मूसेवाला के सिर पर सहरा सजाया गया सी। उन्हां दे पिता ने मूसेवाल स्टाइल दे विच पट ते थापी मार के पुत नूं अंतम विदाई भी दित्ती। मूसेवाला के पिता ने पग ला के
ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੂੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਸਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸੋਗ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਜਤੀਰ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾੜ ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।